बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं असद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 14 किस्तें सुन चुके हैं, अब 15वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। हम चारों तेजी से लुधियाना से बस के जरिए जम्मू जा रहे थे, जहाँ से आगे हमें कटड़ा जाना था, जो पहाड़ों के दामन में एक वादी है जिस तक पहुँचने के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। करीबन शाम के वक्त हम पठानकोट पहुँचे। रास्ते में जगह जगह भारतीय अफवाज के कन्वाय गुजरते नजर आते। सारे भारत में जंगी जुनून तारी था, खसूसन पठानकोट के गिरदोनवाह में तो सरहदी इलाके होने की वजह से चप्पे चप्पे पर हिफाजती इकदाम किए गए थे। ये बस ज्यादातर यात्रियों पर ही मुश्तमिल थी, जो सारे रास्ते माता की जय जयकार करते आए थे। मुझे भी बादल नख्वास्ता उनका साथ देना पड़ा। यहाँ भी सरहदी शहरों की तरह भी यही बात सुनने में आई, फला जगह से पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया, फला जगह वो लोग कुएं में जहर मिला रहे थे। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए अपने मुल्क के अलावा दुनिया भर में खूब खूब प्रोपोगंडा कर रही थी। ये तरीका भारतीय आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए अपनाया गया था, क्योंकि भारत के संजीदा हलके शिद्दत से इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि जंग न लगे। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय सरकार ख्वाह-मुख्वाह मशरकी पाकिस्तान के फड्डे में टांग अड़ाए, लेकिन आए रोज अखबारात, खास तौर से कांग्रेसी अखबारात में पाकिस्तानी जासूस और घुसपैठियों कमांडर के मुतल्लिक खबरें छुपती रहती थीं। बिलाकर भारतीय आवाम भी धोखे में आ गए थे, उनके दिलों में भी नफरत पैदा हो चुकी थी। जहाँ कहीं कोई मुश्तबा शख्स नजर आता, पहले उस गरीब की अच्छी भली ठुकाई हो जाती, उसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया जाता, बाद में अक्सर बेगुनाह साबित होते थे। पठानकोट छोटा सा शहर है, लेकिन हिमाचल, पंजाब और कश्मीर का संगम होने की वजह से यहाँ कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी देखने में आती है, जिसमें ज्यादा हाथ सांबा, कठुआ, शिजानपुर और इसके गिरदोनवाह में बसने वाले गुजर कौम का भी है। इस खित्ते को कुदरत ने अपने लाजवाल हुस्न से नवाजा है। पंजाब और कश्मीर के हुस्न की आमेजिश यहाँ देखने को मिलती है। गुजर कौम के मर्दों को खेती बाड़ी के मौके मुयस्सर न होने की वजह से और तो कोई काम करने को होता नहीं, वो कहवा गिरी शुरू कर देते हैं। सुबह पठानकोट में इन इलाकों से ताजा दूध आता है और शाम के बाद औरतें, खसूसन पठानकोट छावनी और शहर में वाके दूसरे रेजिमेंट हेडक्वार्टर में उनकी आमदोरफ्त लगी रहती है। सरहदी इलाकों से लौटने वाले सिपाही बगल में रम की बोतल दबाए, जो उन्हें सस्ते दामों मिल जाती है, कहवा खानों का रुख करते हैं। यही दिलचस्पी गुरदासपुर, दुनिया नगर और पठानकोट के इर्द गिर्द बसने वाले रंगीन मजाजों को कुशाकुशा पठानकोट खींच लाती है। किसी न किसी तमाशबीन का किसी न किसी फौजी से पिट जाना यहाँ रोजाना का मामूल बन चुका था। पठानकोट में बस ने करीबन आधा घंटा ठहरना था। हमने भी दूसरे यात्रियों की तरह लारी अड्डे में वाके एक होटल का रुख किया, जहाँ विष्णु ढाबे पर हर चीज तिगने भाव बिक रही थी। होटलों वाले यात्रियों को खसूसन दोनों हाथों से लूट रहे थे। दाल फुलके जहर मार करके हम लोग वापस बस में आ गए। टिकट खरीदने वालों की एक लंबी कतार खिड़कियों पर लगी थी। ये वो यात्री थे जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से यहाँ आए थे और अब जिन्हें जम्मू तक जाने के लिए भी टिकट मिलना मुश्किल नजर आता था। अमूमन दूसरे दिन बारी आती थी। हम खुशकिस्मत थे जो लुधियाने से बराह रास्त जम्मू जा रहे थे। पठानकोट से जम्मू पहुंचना एक मसला बना हुआ था, क्योंकि इन दिनों पठानकोट को कश्मीर से मिलाने वाला वाहिद राबता सड़कें थी। फिर हवाई जहाज, अभी तक पठानकोट से आगे रेलवे लाइन नहीं बनी थी। रेलवे लाइन बाद में कठुआ तक और फिर जम्मू तक बन चुकी है। कठुआ बस पहुंची तो हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। यहाँ कश्मीर और पंजाब की सरहद आपस में मिलती है और बहुत बड़ी चेक पोस्ट बनाई गई है। बस के रुकते ही चार इंटेलिजेंस वाले अंदर घुस आए। वो हर मुसाफिर को खाचाने वाली नजरों से देख रहे थे और अपनी अफसरी जताने के लिए करीबन हर मुसाफिर का सामान चेक कर रहे थे। मुसाफिरों की तू तू मैं जारी थी, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ थे। मैं और पूनम माता और मौसी जी की पिछली सीट पर बैठे थे। पूनम खिड़की की तरफ बैठी थी। उसने इंटेलिजेंस वालों को देखते ही अपना मुंह मोड़ लिया था और बाहर की तरफ देखने लगी थी। ये बाबूजी की तरबियत का असर था या फिर पूनम का अपना कोई कम्प्लेक्स। हालांकि उसका सगा भाई फौज में मुलाजिम था, उसे फौज से कोई खास उनस नहीं था। क्या मुसीबत है, इन कमबख्तों को भी यहीं आना था, उसने नागवार लहजे में आहिस्ता से कहा। तुम आखिर इन्हें इतना बुरा क्यों समझती हो भाई? देश के रखवाले हैं ये लोग, हमारी रक्षा करते हैं, मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। भाड़ में गई ये और इनकी रक्षा, आपको तो बस मौका मिले इनकी तारीफ करने का, उसने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो लोग अपना काम मुकम्मल करके चले गए थे। कठुआ से जम्मू तक शायद ही सड़क कहीं खाली नजर आती थी। रास्ते में जगह जगह भारतीय मुसल्ला अफवाज के कन्वाय नजर आ रहे थे। सड़क के किनारे कई मकामात पर उन्होंने मोर्चे खोदे हुए थे, जिनमें से 11 शिकन तोपें साफ झांक रही थी। अपने असले और मोर्चों को उन्होंने इस तरह कैमोफ्लाज किया हुआ था जैसे वो जंग लड़ रहे हों। जहाँ कहीं रास्ते में क्रॉसिंग आता,
हमें रुकना पड़ता और जब तक फौजी कन्वाय गुजर न जाता हम खड़े रहते। जम्मू हम रात के वक्त पहुंचे। जम्मू का लारी अड्डा कम अज कम मेरी मालूमात की हद तक चंडीगढ़ के बाद पंजाब का सबसे खूबसूरत लारी अड्डा है। यहाँ हुकूमत ने एक शानदार और जदीद तर्ज की सराय अड्डे की हदूद में बना रखी है। ये सराय यात्रियों की जरूरत को मद्देनजर रखकर बनाई गई है, जिनकी आमद का सिलसिला सारा साल जारी रहता है। इसके अलावा गैर मुल्की सियाहों का आना जाना भी लगा रहता है। सराय में कमरा हासिल करना जुए शेर लाना है। खुदा खुदा करके एक महात्मा जी की मुट्ठी गर्म की तो हमें एक फैमिली रूम मिल गया। ये कमरा तो खासा बड़ा था लेकिन इसमें सिर्फ दो चारपाइयां बिछी थीं। यहाँ वो कंबल काम आया जो हम अपने साथ लेकर आए थे। वो मैले कुचैले कंबल जो हमें सरकारी तौर पर मिले थे वो हमने नीचे बिछा लिए। अब मसला ये था कि ऊपर कौन सोए और नीचे कौन। खासी रद्दोकद के बाद ये तय पाया कि पलकों पर माताजी और मौसी जी सो जाएं। सारी रात सराय में गूंजने वाले भजनों की आवाजों और सर्दी ने जगाए रखा। सोने का होश किसे था। मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई कथा करने वालों की टोलियों ने अपने अपने कमरों को स्टूडियो में तब्दील कर लिया था और विष्णु माता के बालक उसकी अजमतों का रोना रो रहे थे। सारी रात मैं जागता रहा और उनके अजीबो गरीब धर्म पर लानत भेजता रहा। सुबह थोड़ी देर के लिए उस वक्त ऊंग आई थी जब पूनम ने अपनी गर्म शाल मुझ पर जबरदस्ती डाल दी थी। वो करीबन आधी रात के बाद दोनों बूढ़ियों के साथ भजन कथा सुनने चली गई थी। वापसी पर उसने मुझे बेदार पाया क्योंकि सुबह बहुत सवेरे उठकर ही टिकट मिलने की कोई उम्मीद थी, वगर ना तो लोग खिड़कियों के सामने ही डेरा डालकर बैठ जाते थे। टिकट का हसूल यहाँ पहले से भी ज्यादा मुश्किल दिखाई देता था। पूनम ने जब मुझे वापसी पर भी जागते पाया तो उसे शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर उसके कहने पर ही तो मैं चला आया था। क्या सोच रहे हैं श्रीमान जी, उसने माता जी और मौसी जी का बिस्तर समेटते हुए कहा। सोचता हूँ बाबूजी के धर्म के मुतल्लिक विचार कुछ ठीक ही है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाय राम, माता के चरणों में बैठकर ऐसी बातें, उसने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा। रात को जागते रहने से उसकी आंखों में हल्की हल्की सी सुर्खी छलक रही थी और वो सुर्खी मुझ पर फसूं फूंक रही थी। आंखें ऐसी खूबसूरत भी होती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं सहरज़दा सा अपनी जगह से उठा। न जाने कौन सा जज्बा था जिसने मेरे दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। पूनम की हैरतज़दा आंखें मुझ पर जमी हुई थी। वो बहुत कुछ जानना चाहती थी तुम्हारे लिए, तुम जो मेरी पार्वती हो, मैंने उसकी ठोड़ी को छूते हुए कहा। वो लम्हा हम दोनों को जज्बाती कर गया था। हमें होश उस वक्त आया जब दरवाजा खुलने की आवाज आई। माता और मौसी जी करीबी मंदिर से पूजा पाठ के बाद वापस आ गई थी। नाश्ते के लिए नीचे कैंटीन में आने तक बमुश्किल पूनम ने एक मरतबा मुझसे नजरें मिलाई थी। न जाने हम दोनों उस समय एक दूसरे से क्यों शर्मिंदा थे। टिकट खरीदने के लिए मैंने टिकट घर की बजाय नजदीकी ट्रांसपोर्ट ऑफिस का रुख किया, जहां एक कंडक्टर ने मुझ पर खासी मेहरबानी करते हुए मुझे दोगुने दामों पर चार टिकट दिए। माता जी और मौसी जी तो हैरान ही रह गईं। इसीलिए तो मैं कहती थी कि प्रकाश जाए हमारे साथ, उन्होंने मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। एक मरतबा फिर वही जयकारे, यात्रियों का शोरगुल, बच्चों की चीखम दहाड़। पूनम अभी तक उसी जज्बातियत का शिकार थी। चुपचाप सी बाहर फिजाओं में न जाने क्या ढूंढ रही थी। क्या सोच रही हो, मैंने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। उसने नजरें झुकाए झुकाए जवाब दिया। कुछ तो है, आखिर ऐसी खामोशी भी क्या कि हम बस के दूसरे मुसाफिरों से अलग हैं क्या। एक बात है प्रकाश बाबू, या मुझे इतना मान ना दीजिए, मैं आपसे क्या कहूँ, मैं कैसे आपको बताऊँ, मैं आपकी दासी हूँ, देवी नहीं। उसकी बात से जाहिर था जैसे वो कुछ कहना चाह रही है मगर कह नहीं पाती। पूनम, मैंने उसका हाथ मजबूती से दबाया। लफ्जों की झोलियाँ खाली हो चुकी थीं। कठुआ से 10-12 मील इधर ही बस रुक गई थी। मकामी मिलिशिया के जवान सुर्ख झंडियाँ लिए ट्रैफिक रोके हुए थे। पाकिस्तानी कमांडोज ने पुल उड़ा दिया है, अब कश्तियों का पुल बनाया जा रहा है। ये थी वो इतला जिसने सब पर सन्नाटा तारी कर दिया था। सारी बस को जैसे साफ सूं गया था। वो लोग जो सारे रास्ते शेरा वाली माता के जयकारे लगाते आए थे, अब हरे ओम के अलावा उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। पूनम की हालत भी दूसरे मुसाफिरों से अलग नहीं थी। माता और मौसी जी हमसे अगली सीट पर बैठी थीं। उनका तो खौफ के मारे रंग फक हो गया था। मैंने उन्हें हौसला दिया और कहा, हमारी सेना के सामने किसी की मजाल है जो दम मार सके। ये तो बेखबरी में ऐसा हो गया। अभी मेरा फिक्रा बमुश्किल मुकम्मल हुआ था कि करीबी सीट पर बैठे एक लाला जी फट पड़े। अबे जहन्नम में गई तुम्हारी सेना, कमबख्तो मुट्ठी भर फौज ने सारे भारत को अजाब में मुब्तला कर रखा है। रोजाना अखबारात इनके कारनामों से भरे होते हैं, कितने पकड़े जा सके हैं अब तक। लाला जी की बात ने मुसाफिरों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक ग्रुप तो उन लोगों का था जो लाला जी की हमायत में अपनी सेना को कोस रहे थे और दूसरे वो जो पाकिस्तानी जासूस को बुरा भला कह रहे थे कि उनके हाथों से किसी को अमान नहीं।
पूनम पहले ग्रुप का साथ दे रही थी, वो चूंकि कम गो वाकया हुई थी इसलिए बहस में तो हिस्सा नहीं ले रही थी, अलबत्ता मेरे सामने अपने दिल की भड़ास जरूर निकाल रही थी। दो घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद आखिर हमें रवानगी का सिग्नल मिल ही गया। ये सारा वक्त हमने बस के अंदर और बाहर आने जाने में गुजारा था। कटड़ा से एक छोटी सी नदी आती है जिसके गिर्द फौज ने उधमपुर की हिफाजत करने वाला रिडार सिस्टम कायम कर रखा है और इसकी वजह से इस इलाके की फौजी अहमियत बढ़ गई है। नदी पर से गुजरते हुए हमने वो पुल भी देखा जो कश्तियों के आरती पुल से कुछ फासले पर बना हुआ था और जिसे बकौल भारतीय सैनिकों के पाकिस्तान हुस्न मेरा मुंह चिड़ाता आया था। ये खिता जन्नत नजीर यकीनन कुदरत की प्याजी का बेहतरीन शाहकार है। हरे भरे सरसब्ज पहाड़ और इनके दामन में बने बागात की कितारें, झरने और इनमें पानी की मटकियां भरती गोपियां, चरवाहों के पहाड़ों के दामन से टकराते खूबसूरत महने और पहाड़ी सिलसिलों से इटकिलियां करते झूमते गाते दरिया, दरियाओं में धूप की रोशनी से चमकते संगरेजे और कहीं कहीं उनके किनारे पानी पीती भेड़ें, यहाँ के जर्रे सितारे हैं। ये अलग बात के मफलूकुल हाली ने उन्हें गहना दिया है। मैं यहाँ पहुँचते ही माजी में खो गया था। यादें तारीख की कड़ियाँ मिलाती चली जा रही थी। इन्हीं पहाड़ों के दामन में मेरे 65 के गुमनाम शहीदों का लहू बिखरा था। कभी कभी तो यूं वहम गुजरता जैसे उनकी हरियाली का सबब इन्हीं पाकबाजों का खून था। कटड़ा कोई ऐसा शहर नहीं जहां कयाम का कोई बहाना न बन सके। सिर्फ वही लोग यहां के मुस्तकिल मकीन हैं जिनके अपने बागात हैं। कटड़ा कोई ऐसा शहर नहीं जहां कयाम का कोई बहाना बन सके। सिर्फ वही लोग यहां के मुस्तकिल मकीन हैं जिनके अपने बागात हैं। एक बस्ती मुख्तलिफ मंदिरों में मुफ्त के अनाज पर पलने वाले इन पुजारियों की फौज ने आबाद कर रखी है जो किसी नीच जाति का वहां से गुजर होने पर भी धर्म भ्रष्ट होने का रोना रोने लगते हैं। यही वजह है कि भांड नामी गाने बजाने वाली कौम के गांव इनसे अलग थलग हैं। इन बिचारों का तो मंदिर भी अलहदा है। शाम को मुझे भी बादल नुखास्ता सब के साथ मंदिर में जाना पड़ा जहां रात गए तक सर खपाई करने के बाद हम वापस आ गए। रात को एक सराय में कयाम का बंदोबस्त किया। अभी तक मुझे सिवाय इसके और कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी कि मैंने एक फौजी कैंप को मंदिर के नजदीक रुकते देखा था जिसमें से एक फौजी मेजर और कुछ सिपाही मंदिर में माथा टेकने आए थे। जितनी देर तक वो लोग मंदिर में रहे मैं किसी न किसी बहाने उनकी जीप का तवाफ करता रहा। उनकी बटालियन मार्ग पर से मट्टी उतारने के लिए मुझे एक मरतबा उनकी जीप से रगड़ खाकर गुजरना भी पड़ा था। बटालियन मार्ग देखकर मैं कम अज कम अपने जहन में एक अंदाजा कायम करने के काबिल हो गया था। कटरा से माता विष्णु के मंदिर तक 10 घंटे का पैदल रास्ता था। खच्चर भी एक खास मकाम तक ही जाते थे। रास्ते में हर दूसरे तीसरे मील के बाद कोई न कोई मंदिर नजर आता था। इसके अलावा 3-4 मकामात पर सराय भी बनी हुई थी ताकि जहीफ लोग सस्ता कर या आराम करने के बाद आगे रवाना हो। इसके अलावा 5-6 मकामात ऐसे भी आते थे जहां रुककर मुख्तलिफ रसूमात अदा करनी पड़ती थीं। इस सारे रास्ते में दोनों तरफ खाइयों और जंगलात के सिवा और कुछ नहीं था। कहीं कहीं हुकूमत ने बागात भी लगाए थे जिनमें लगे सुर्ख सेब या तो जंगलात में पलने वाले बंदरों की फौज चट कर जाती थी या फिर रास्ते के किनारे लगे दरख्तों से यात्री उतार कर खा जाते थे। अलल सुबह हमारा सफर शुरू हो गया था। सराय से चंद फरलांग के फासले पर पहले एक तालाब आता था। हर यात्री के लिए लाजिम है कि वो यहाँ स्नान करे। तालाब एक नदी की शक्ल में था जिसके एक कोने में बड़ी बड़ी चादरों का पर्दा जो न होने के बराबर था तान दिया गया था, जिसकी एक समत खवातीन स्नान करती थीं और एक समत मर्द। हिंदुआना रसूमात की बेहयाई की बेहतरीन तस्वीर देखने को मिलती थी। मेरे जहन में रामायण और गीता के वो श्लोक घूमने लगे जिनमें कृष्ण के तालाब में नहाती गोपियों के कपड़े उठाकर भाग जाने का बयान है। उस जमाने में शायद कैमरा नहीं था लेकिन अब था और आज के भारतीय कृष्ण बड़ी बेबाकी से किसी न किसी बहाने तालाब की दूसरी सम से चले जाते और स्नान करती अपनी माओ बहनों के बेहुदा मनाजर कैमरे की फिल्म पर मुंतकिल कर लेते। चंद बूढ़ों के अलावा और किसी को मैंने इस कभी हरकत पर नाक मुँह चढ़ाते भी नहीं देखा था। मरता ना क्या करता के मस्ताक मुझे भी स्नान करने पड़े कि ये तीर्थ स्नान ही माता को श्रद्धांजलि भेंट करने का बेहतरीन तरीका था। यह अलग बात के सारे रास्ते नजले और जुकाम ने जान न छोड़ी। पूनम वापस पलटी तो उसकी स्याह घनेरी जुल्फों से पानी मोतियों के कतरे बनकर टपक रहा था। एक पत्थर पर बैठकर वो अपने बाल सुखाने लगी जहां मैं पहले ही सुकड़ा सिमटा बैठा था। देवी दर्शन की इब्तदा ही ठठरा देने वाली है, इंतहा न जाने क्या होगी। मैंने कांपते हुए कहा, इंतहा की फिक्र आप न कीजिए। पूनम के फिक्रे में छुपे आत्माद ने मुझे लर्जा कर रख दिया था।